भले ही बॉलीवुड के मिथुन चक्रवर्ती शादी के सालों साल भी अपनी दूसरी पत्नी योगिता बाली संग बेहद खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं, जिनसे ये आज इतना प्यार करते हैं कि कभी धोखा भी नहीं उन्हें दे सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि एक वक्त पर शादीशुदा होते हुए मिथुन दा का दिल जब एक अभिनेत्री पर आया था तो इतना बड़ा हंगामा हुआ था कि आज तक कोई भूल नहीं पाया। तो क्या था ये पूरा मामला और किस एक्ट्रेस के प्यार में मिथुन दा गिरफ्तार हो गए थे और क्यों, चलिए आपको पूरा सच बताते हैं। पर उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के लेजेंडरी सुपरस्टार्स में से एक हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में मिथुन दा के नाम से भी जाने जाते हैं, जिनकी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही लाइफ बड़ी चर्चा में रही हैं। क्योंकि अपने फिल्मी करियर में मिथुन चक्रवर्ती का नाम बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा है, जिसमें एक्ट्रेस रंजीता, योगिता बाली और सारिका का नाम शामिल है। हालांकि साल 1979 में इन्होंने खूबसूरत एक्ट्रेस हेलेना लेक से पहली शादी की, जो कि इसी साल के अंदर टूट भी गई, और फिर अभिनेता ने एक्ट्रेस योगिता बाली से शादी कर ली और उन्हीं के साथ सुखी घर भी बसा लिया। लेकिन गुरु और वक्त की आवाज़ जैसी फिल्मों में काम करने के दौरान ये खूबसूरत एक्ट्रेस श्रीदेवी के प्यार में गिरफ्तार हो गए थे। जी हाँ, खबरों के अनुसार इन्होंने तो श्रीदेवी से साल 1985 में गुपचुप शादी भी कर ली थी, लेकिन इस रिश्ते को कभी किसी के आगे खोल कर नहीं रखा गया, क्योंकि असल में मिथुन पहले से ही शादीशुदा थे। कहते हैं मिथुन और श्रीदेवी की शादी की खबर ज़्यादा दिनों तक छुपी नहीं और जल्द ये बात योगिता बाली को पता चल गई और घर में भूचाल आ गया। रिपोर्ट्स के अनुसार योगिता बाली मिथुन की बेवफाई से इतनी दुखी थी कि उन्होंने आत्महत्या तक करने की कोशिश की और हंगामे का असर कुछ ऐसा हुआ कि मिथुन दा को श्रीदेवी का हाथ छोड़ना पड़ा। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की राहें हमेशा के लिए जुदा हो गई। बाद में श्रीदेवी ने फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी कर ली। बोनी कपूर भी पहले से शादीशुदा थे, लेकिन श्रीदेवी उनके बच्चों की मां बन गई थी, जिसके बाद बोनी कपूर की पहली वाइफ मोना शौरी इस बात से गहरे सदमे में चली गई। वहीं बोनी कपूर से शादी के बाद श्रीदेवी को होम ब्रेकर का टैग मिल गया। वेल दोस्तों, क्या आप मिथुन दा के बारे में कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी जबरदस्त वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।